बिहार। कितने बंदे हम लोग? यहाँ 80 बंदे हैं। तो कुछ नहीं, कितना खाने के मिलते हैं, नहीं पीने के मिलते हैं, नहीं कुछ मिलते नहीं है, काम भी नहीं मिल रहा है, सब बंद है, बैठ कर क्या करें, पैसे भी नहीं है। किसके साथ जा रहे हैं? बस में जा रहे हैं। कितने किराए दे रहे हैं? घर से किराया मंगाए 3,000 रुपया किराया दिए। ऐसे ट्रेन में आपको कितना किराया लगता है? ट्रेन में ऐसे 600-700 रुपया लगता है रिजर्वेशन में। तो क्या कहेंगे, जहां सरकार एक तरफ से ऐलान कर रहे हैं कि लोगों का सेल आ जाए, फ्री में ला जाए, आप लोग किराया देके जा रहे हैं जी, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा नाम नंद किशोर शर्मा है। क्या कहेंगे, कहाँ के रहने वाले? हाँ, बिहार का। कितने बंदे हो? हम बंदे हैं 80 आदमी। कितने किराए देके जा रहे हैं? 2900 रुपये एक आदमी को भाड़ा देके जा रहे हैं। जाना है बिहार, हम लोग के पास पैसे नहीं है, इसीलिए घर से मंगा कर पैसे मंगा कर तब हम लोग जा रहे हैं। रेलवे के ट्रेन है तो बोलते हैं कि 3,000 लगेगा, तो 2900 लगेगा, तो 1600 लगेगा। अब मान लीजिए उतना पैसा आता नहीं है, तो इसीलिए मान लीजिए बैठे हुए 2 महीने से, अब बैठ कर खा रहे हैं, अभी पैसा घर से मंगा कर जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो फिर अभी तो ख़त्म हो जाएगा। पुलिस वाला बुलाया था, बोल रहा था कि हमारे पास परमिशन नहीं है, हम आपको अब नहीं ले जाएंगे, और बोल रहा था कि आप लोग पहले किराया दे दीजिए, उसके बाद हम ले जाएंगे। तो हम बोले कि परमिशन दिखाओ, तो परमिशन दिखाया नहीं और यहाँ से बस लेकर भाग गया। हम लोग आए थे घर जाने के लिए बस से, और बस वाला के पास परमिशन नहीं था और चला गया, मीडिया वाले आया था उसके बाद भाग गया। कितना किराया मांग रहा? 3,000 रुपया मांग रहा था। वशिष्ठ शर्मा। कहाँ से हो? हम तो बिहार से हैं। अभी आप लोग यहाँ पे जमा हुए थे जाने के लिए, क्या चक्कर क्या बना? अभी तो बस से जाने के लिए जा रहे थे हम लोग, तो बस का किराया 3,000 रुपया ले रहा था, और उसके बाद में उसे जब मांगे कि परमिशन वाला वो कागज वगैरह दिखाओ, तो दिखाया नहीं, बस वाला यहाँ से भाग गया। भागा क्यों? मीडिया वालों को देख के? अब मीडिया वालों को देख के भागा, या वैसे उसके पास परमिशन नहीं था इसलिए भागा है, दूसरा क्या। तो आप क्या कहेंगे, कितना प्रॉब्लम आ रहा है, किससे जाएंगे? बहुत प्रॉब्लम है सरकार, अभी तो यहाँ से जाना ही मुश्किल लग रहा है, नहीं ट्रेन की कोई सुविधा है, नहीं खाने का कोई पैसा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दस आदमी।